की जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग तो कंप्यूटर फोन अगर यूज कर रहे हो तो आप अपने पेरेंट्स या फैमिली में भी हेल्प कर सकते हो। अपने लिए भी जो भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बता के रखते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हो उसमें। ये देखिए, ये आम नागरिक के लिए, जैसे अगर आप यूज करना चाहेंगे, ये CSC जो मैं बता रही थी, अगर आपको जैसे ये आपके परिवार को कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो वो थोड़ी थोड़ी दूरी पे CSC सेंटर्स है, वहां जाएंगे, उसके लिए देखो ये अलग ऑप्शन है, तो वो बैठकर यहाँ से आपका कार्य करवा देंगे। जैसे ये ईमेल आईडी, नेम, मिडल नेम, डिस्ट्रिक्ट आईडी, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाल के एड्रेस डाल दिया, आपका यहाँ पर जेंडर आ जाएगा, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और कौन सी तहसील में आपका एरिया पड़ेगा वो डिटेल, इससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो भी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है ये सारे वो आप सेलेक्ट कर वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स घर पे ही हैं, घर में इकट्ठे कर लीजिए, उसके बाद उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आप अपलोड करोगे तो जैसे कोई भी एप्लीकेशन है, आप वहाँ डिटेल डालोगे, फोटो चाहिए उसकी फोटो डाली, जो डॉक्यूमेंट्स है वो बता देगा पहले कि यही आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो डाल दे, उसके बाद उसको अपलोड करके सबमिट कर दीजिए। इसमें क्या है, आपको अगर चेक करना है कि मेरा डॉक्यूमेंट किस स्टेज पे है, इसमें आपको स्टेजेस से पता चल जाएंगे, स्टेटस देख सकते हैं किस मतलब किस अध्यक्ष के पास है या किस के पास है, अधिकारी के पास है, वो सारी डिटेल्स आप इसमें चेक कर सकते हो। और क्यों पेंडिंग है ये भी पता चल जाएगा, अगर उन्होंने बोला है कि 3 दिन में मिलेगा और 3 दिन में नहीं आ रहा है आपका सर्टिफिकेट, तो आप चेक कर सकते हो कि किस वजह से मेरा सर्टिफिकेट पेंडिंग में है, वो आपको बता देंगे। आपको वही सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं, अगर उन्होंने बोला कि मान लीजिए फोटो अपलोड करनी थी, फोटो उनके हिसाब से क्लियर नहीं आई है, तो वो आपको एक एरर बता देंगे कि आपकी जो फोटो है वो अच्छे से नहीं आई थी, तो आप एक बार उसे दोबारा क्लिक करके अपलोड कर लीजिए, आप उसे अपलोड कर देंगे, तो जो फर्दर उनका 1-2 दिन का टाइम होगा उसके बाद वो दे देंगे आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरह से एक तो आना जाना, आपको जो टाइम मैनेजमेंट है वो सब में भी दिक्कत नहीं आएगी, धीरे धीरे आप लोग आगे पढ़ाई करोगे तो आपको अलग अलग सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है धीरे धीरे, तो उस चीज को ये बहुत ज्यादा आसान करने का एक प्लेटफॉर्म दिया है सरकार ने कि हाँ आपको कहीं ट्रैवल नहीं करना है, जा जाके लोगों के पास जाके बात नहीं करनी, क्योंकि ऐसे भी होता है कि लोग बोलते हैं कि यार इतना टाइम लगेगा, अगर आपने थोड़े बहुत पैसे दे दिए हम जल्दी लगवा देंगे, ऐसा फैक्ट में मतलब होता ही है, तो वो चीज भी। और फिर आपको फालतू पेपर एक लेके नहीं जाना पड़ेगा हर जगह, अब तो क्योंकि डिजी लॉकर एक फैसिलिटी और दी है गवर्नमेंट ने, आप लोगों ने सुना होगा ऐप यूज होती है फोन में, उसमें आपको कहीं भी कोई भी आधार है, पैन कार्ड है, आपका जॉब का कार्ड हो गया या आपका स्थायी प्रमाण पत्र हो गया, इवन आपका लाइसेंस होती है, बस आपको अगर कोई बोलता भी आप उसको डिजिटली दिखा दीजिए, तो वही डिजिटलाइजेशन को बढ़ाने के लिए सरकार ने ये एक और प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। मैं ये सजेस्ट करूंगी बल्कि आप अपनी फैमिली में भी बताओ, जो आपको मैंने वेबसाइट बताई है सरकार सरकार डाल सकते हैं, वो इंटरनेट पर आप उन्हें सिखा सकते हो, छोटा मोटा ही काम है, फोटो डाल के, और ये हिंदी में भी है, लैंग्वेज मैं क्योंकि इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रही हूँ कि हिंदी में भी हो जाता है, उन लोगों के लिए अगर हिंदी आसान है हिंदी में काम करना, तो हिंदी में भी उसकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं, यही डॉक्यूमेंट चाहिए और उसके बाद उसको कर सकते हैं उस काम को। सिर्फ बेटर ये होगा कि आपके फैमिली में भी आसानी होगी, छोटा सा डॉक्यूमेंट है अगर मान लो जन्म प्रमाण पत्र के, अब आप उसके लिए फैमिली मतलब नई मदर है फादर है उनको इतना हेडेक देना कि आप भाई यहाँ वहां चक्कर काटो, उनके लिए तो ये है कि अपना बच्चा पहली बार मतलब उसको हैंडल करे, अभी रिसेंटली मान लो 10 दिन का भी बच्चा ही हुआ है, अब वो इस डॉक्यूमेंट के चक्कर में यहाँ वहां भटकी, उनको भी बहुत ज्यादा अजीब लगता है कि यार अभी ये जिम्मेदारी आई है अब ये भी देखिए, तो उस तरह की चीजों के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही ज्यादा आसान है, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं घर बैठे काम करा, नहीं है नॉलेज तो लोग किसी को जिसको पता है, ये धीरे धीरे करके उसे डिजिटलाइज हो ही रहा है, तो हर किसी को उसकी नॉलेज धीरे धीरे मिल रही है, तो उन्हें बता दिया वो उसके थ्रू आपकी हेल्प कर सकते हैं, या फिर जो CSC सेंटर सरकार ने दिए वही है, तो आसपास ही रहते हैं हर लोकेलिटी में, थोड़े थोड़े डिस्टेंस में दे रखे हैं, वहां जाकर आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर तो बहुत दूर है।